अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम लोग इन्वर्टर डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देख ली थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने सिंगल फेज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर स्टार्ट करा था, जिसमें हमने हाफ ब्रिज और फुल ब्रिज टोपोलॉजीज डिस्कस करी थी। हाफ ब्रिज के अंदर दो स्विचेज यूज़ हो रहे थे, देन एग्जाम्पल हमने इसकी एक देखी थी। उसके बाद हमने फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर डिस्कस करा था, जहाँ पे हमारे पास चार स्विचेस यूज हो रहे थे और डायगनली एट अ टाइम दो दो स्विच ऑन हो रहे थे, जिसकी वजह से कंडक्शन हो रही। दोनों इन्वर्टर्स में जो डिफरेंस था वो यही आ रहा था कि हाफ ब्रिज के अंदर हमारे पास आउटपुट पे हाफ ऑफ वी इन जाता था, बट फुल ब्रिज के क्रॉस आउटपुट पे हमारे पास कंप्लीट जो वीडीसी हम लोग दे रहे हैं वो एज इट इज आगे जा रहा होता, ठीक है। उसके बाद हमने इसके स्टेट डिस्कस की थी। पांच स्टेट्स हैं, मैंने बताया था कि इसके अंदर स्टेट वन एंड स्टेट टू ही हम लोग क्या है यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद वेव फॉर्म ने डिस्कस की थी कि हमारे पास लोड वोल्टेज लोड करंट की वेव फॉर्म किस तरह की होगी। सप्लाइड करंट बताया था ये क्यों स्ट्रेट आ रहा है। उसके बाद स्विचेस कॉन्फ़िगरेशन बताई थी कि IS1 IS2 हमारे पास एक टाइम पे ऑन होंगे, देन IS3 IS4 ऑन हो रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद आज हम जो देख रहे हैं उन्हीं मोड्स के इक्विवेलेंट सर्किट देख लेते हैं। ये यानी कि इसी सर्किट के अंदर मैं अगर लेट से यही सर्किट कंस्ट्रक्ट करूँ और मैं कहूँ इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊँ फॉर मोड 1, तो मुझे पता है मोड 1 में S1 एंड S2 ऑन होंगे। ये वाला सर्किट कंस्ट्रक्ट करूँगा तो मैं मोड 1 में मुझे पता है S1 पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव ऑन होंगे। तो इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से होगा, सप्लाई आ जाएगी, इधर एक शॉर्ट पाथ आएगा, इधर लोड आएगा और फिर S2 एंड देन सर्किट। ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा किस चीज़ को, मोड 1 के इक्विवेलेंट सर्किट को। यानी कि यहाँ देख सकते हैं मोड 1 का स्विच 1 शॉर्ट, लोड आया स्विच 2, यहाँ स्विच 1 पॉजिटिव और इधर स्विच 2 नेगेटिव बोल सकते हैं हम लोग इस वाले डायग्राम को रेफर करते हुए। फिर मोड 2 का इक्विवेलेंट अगर सर्किट में वो देखूंगा तो मोड 2 में मेरे पास ये पाथ शॉर्ट होगा और ये पाथ शॉर्ट होगा, तो उसको रेफर करते हुए हमारे पास ये सप्लाई। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ स्विच 3 शॉर्ट है, फिर लोड आ रहा है और फिर स्विच 4 शॉर्ट हो रहा है। तो ये हमारे पास मोड 2 का इक्विवेलेंट सर्किट डिफाइन हो रहा है। अभी स्विच 3 एंड स्विच 4 दे आर सेम है, स्विच 2 पॉजिटिव एंड स्विच 1 नेगेटिव। डिफरेंट डायग्राम्स हैं, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन हैं, सिर्फ ये इस वजह से यहाँ पे फर्क आ रहा है और कोई चेंज इसमें नहीं है। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट आ गया फॉर 2 डिफरेंट मोड्स, मोड 1 एंड मोड 2। उसके बाद फुल ब्रिज इन्वर्टर के कुछ इक्वेशन देख लेते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होंगी टू फाइंड आउट इट्स आउटपुट वोल्टेज एंड करंट। तो अगर हम आउटपुट RMS वोल्टेज की बात करेंगे, E0 RMS की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि फुल ब्रिज है तो यहाँ पे E0 RMS हमारे पास वही होगा जो कि हम इनपुट वोल्टेज दे रहे होंगे। रीज़न ये है कि क्योंकि हमारे पास EDC की अगर हम बात कर रहे हैं तो वही वोल्टेज हमारे पास आउटपुट पे ऑब्जर्व हो रहा होगा, तो वही हमारे पास बराबर होगा E0 RMS के। उसके बाद फोरियर सीरीज को यूज़ करते हुए, जैसे इससे पहले हमने किया था फंडामेंटल वोल्टेजेस निकाले थे, तो यहाँ पे भी फोरियर सीरीज अप्लाई होगी। और इधर उधर हमारे पास 2 EDC था, इधर हमारे पास 4 EDC अपॉन NPI आ जाएगा और यहाँ पर हमें साइन फंक्शन यूज़ करना होगा। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है फोरियर सीरीज का, जो कि हम लोग यूज़ करके क्या करेंगे, वोल्टेजेस निकालेंगे एट डिफरेंट हार्मोनिक लेवल। अच्छा, उसके बाद फंडामेंटल वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे तो फंडामेंटल वोल्टेज को अगर हम कंसिडर करें तो वो हमारे पास E0 फंडामेंटल निकलेगा 2√2 अपॉन पाई इंटू EDC, यानी कि जो पुरानी इक्वेशन थी हाफ ब्रिज की उसका ट्वाइस देख रहे हैं। ये हमारे पास फंडामेंटल की थी √2 पाई EDC, तो यहाँ पे इनके वही चीज़ ट्वाइस एक हमने बोला हुआ है
तो यहाँ क्योंकि वोल्टेज डबल हो रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ क्या किया हमने, मल्टीप्लाई बाय टू किया, बाकी वही इक्वेशन है जो कि हम हाफ ब्रिज में यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एंड हार्मोनिक फंडामेंटल की हम बात करेंगे तो वो हमारे पास निकलेगा ई नॉट फंडामेंटल अपॉन एन से, यानी कि इसी फॉर्मूले को ड्राइव करके हमने यहाँ पे क्या किया है, एंथ हार्मोनिक निकाला हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हम लोग यूज़ कर रहे होंगे टू फाइंड आउट आरएमएस वोल्टेज, फंडामेंटल वोल्टेज एंड हार्मोनिक्स। उसके बाद ट्रांजिस्टर की रेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे भी एक ये कंडीशन ज़रूरी है कि हमारे पास जो वी सी ई हो ट्रांजिस्टर का स्विच का, इट मस्ट बी ग्रेटर दैन ETC, देन टोटल करंट की हम बात करें, IT एवरेज की हम बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा ETC अपॉन 2R। ठीक है, उसके बाद RMS में हमारे पास सभी चेंज आएगा, ETC अपॉन रूट 2R आ जाएगा, और IT पीक होगा हमारे पास ETC अपॉन R। ठीक है, अब ज़रा इसके एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूले हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं, ये फॉर्मूले और क्लियर हो जाएंगे कि ये अप्लाई कैसे होने। यहाँ पे एग्जांपल में हमें बोला हुआ है सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर ऑपरेटेड फ्रॉम अ 48 वोल्ट बैटरी एंड सप्लाइंग पावर टू अ प्योर रेजिस्टिव लोड ऑफ 10 ओम। ठीक है, EDC दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दी भी है, बोला क्या फाइंड आउट करने को, फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज एंड फर्स्ट 5 हार्मोनिक्स। उनके फंडामेंटल वोल्टेज का फॉर्मूला है 2√2 अपॉन पाई इंटू EDC, यहाँ से हमें फंडामेंटल वोल्टेज मिलेगा। और फर्स्ट 5 हार्मोनिक्स की बात हो रही है तो फर्स्ट 5 हार्मोनिक्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, यानी कि n हम यहाँ 3 5 7 9 11 रखते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला है RMS वैल्यू बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड एंड हार्मोनिक समेशन मेथड। RMS वैल्यू बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन, यानी कि हम ई नॉट RMS निकालेंगे, और हार्मोनिक समीशन यानी कि जो हार्मोनिक्स निकाली उन सबको हम एडअप करके देखेंगे। फिर बोला हुआ है आउटपुट RMS पावर एंड आउटपुट फंडामेंटल पावर, दोनों पावर्स के लिए हम क्या करेंगे, RMS पावर के लिए RMS वोल्टेज यूज़ करेंगे, फंडामेंटल पावर के लिए फंडामेंटल पावर वोल्टेज यूज़ करेंगे। उसके बाद ट्रांजिस्टर स्विच रेटिंग्स यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर स्विच रेटिंग्स हमें गिवन थी यहाँ पे VCU ग्रेटर देन EDC, तो इसके रेफर करके हम क्या कर सकते हैं, IT एवरेज, IT RMS, IT पीक ईजली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वन बाय वन ये सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है ई नॉट फंडामेंटल निकालना है, तो हमें डाटा में EDC दिया हुआ है और रेजिस्टेंस दी हुई है। ई नॉट फंडामेंटल का फॉर्मूला था 2√2 अपॉन पाई इंटू EDC, EDC 48 है और 2√2 ओवर पाई प्लेस करते हैं तो हमारे पास ई नॉट फंडामेंटल आ गया 43.22। उसके बाद हमें यहाँ पे बोला हुआ था फंडामेंटल फाइंड आउट करने के अलावा फर्स्ट 5 हार्मोनिक्स भी निकालेंगे, तो एन हार्मोनिक का फॉर्मूला ई नॉट फंडामेंटल से जो ड्राइव होकर आया हुआ था वो था ई नॉट फंडामेंटल अपॉन एन, एन रेफर कर रहा था हार्मोनिक्स को। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 5 हार्मोनिक्स बोलेंगे, इट मीन्स हम क्या करेंगे, हम एन रिप्लेस करेंगे 3 5 7 9 और 11। तो यहाँ पे वन बाय वन हमने क्या किया, हार्मोनिक वोल्टेज निकाल ली, थर्ड हार्मोनिक का वोल्टेज, फिफ्थ का, सेवन का, नाइन का और इलेवन का। तो इस तरह से हमें क्या हो गया, यहाँ पे हार्मोनिक वोल्टेजेस भी मिल गए और फंडामेंटल वोल्टेजेस भी मिल गए। अब पार्ट बी में हमें बोला हुआ था RMS वैल्यू निकालें डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से और हार्मोनिक समीशन मेथड से। तो भाई ई नॉट RMS तो हमें यहाँ बाय फार्मूला में पता है बराबर होता है EDC के, तो वो तो हमारे पास 48 वोल्ट है। अब बोला हुआ था हार्मोनिक समीशन मेथड से निकालना है, तो हार्मोनिक्स हमारे पास निकली हुई है ये रही, तो इन सब को हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे पास आ रहा है 47.18। तो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो ई नॉट हार्मोनिक स्टार्टेड मेथड और हार्मोनिक समीशन मेथड दोनों से ऑलमोस्ट इक्वल ही आ रहा है। देन थर्ड पार्ट में हमें बोला हुआ है आउटपुट RMS पावर एंड आउटपुट फंडामेंटल पावर, तो आउटपुट RMS पावर और आउटपुट फंडामेंटल पावर के लिए
अगर हम देखें तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला था वी स्क्वायर अपॉन आर। जब हम बात करेंगे आउटपुट आरएमएस पावर की, तो यहाँ पे हम लोग ई नॉट आरएमएस यानी कि आउटपुट आरएमएस वोल्टेज लेंगे। ई नॉट आरएमएस 48 था, तो यहाँ से आउटपुट आरएमएस पावर हमें मिल गई। इसी तरह आउटपुट फंडामेंटल पावर बोली हुई है। फंडामेंटल पावर के लिए हम क्या करेंगे, फंडामेंटल वोल्टेज यूज़ करेंगे, तो ई नॉट फंडामेंटल हमारे पास ये रहा, तो यहाँ से हमें आउटपुट फंडामेंटल पावर मिल जाएगी। उसके बाद पार्ट फोर में हमें बोला हुआ है कि फाइंड आउट ट्रांजिस्टर स्विच रेटिंग्स। ट्रांजिस्टर स्विच रेटिंग्स की हम बात करें तो भाई हमारे पास वी सी ओ मस्ट बी ग्रेटर देन ई डी सी, तो वो हमारे पास एक्सप्रेशन ये इस तरह से लिखी जाएगी। आई टी पी का जो फॉर्मूला था वो हमारे पास था ई डी सी अपॉन टू आर, तो यहाँ पे हमारे पास दिस इज आई टी पीक। इसके बाद आई टी आर एम एस आ गया ई डी सी अपॉन रूट टू आर। फिर आई टी एवरेज हमने यहाँ से निकाली, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले यहाँ पे आई करंट के लिए हैं, यही एग्जैक्ट फॉर्मूले यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, सारी वैल्यूज यूज निकाल सकते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लिया था, और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आप थ्रू ईमेल से ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी क्वेश्चन आंसर सेशन है वो ऑन टाइम होगा, वही टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली, और इसमें कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। इधर हमने एक फोरियर सीरीज़ का भी पार्ट बताया था, तो ये हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है उसकी फोरियर सीरीज़ को डिफाइन कर रहा था, बट एग्जाम्पल में ऐसा है जिसका कहीं यूसेज हमारे पास नहीं आया, ठीक है। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहीं तक लिमिट कर रहा हूँ। तो अब तक हम लोगों ने इस वीक के हिसाब से अगर देखा है तो हमने इन्वर्टर डिस्कस किए, जिसमें हमने पहले इन्वर्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, उस पर क्लासिफिकेशन हमने देखी इन्वर्टर की डिफरेंट, के बाद फिर हमने हाफ ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर डिस्कस करा था, वोल्टेज वेवफॉर्म्स देखी, एग्जांपल इसकी देखी, देन फिर आज हमने सिंगल फेज फुल ब्रिज वोल्टेज सोर्स इन्वर्टर देखा। पहले हाफ ब्रिज था, फिर ये फुल ब्रिज देखा, इसमें क्या डिफरेंस है ये बताया, फिर इसकी स्विचिंग स्टेट्स हमने डिस्कस की कि स्विचिंग स्टेट्स इसकी वर्क किस तरह कर रही होती हैं। देन फिर इक्विवेलेंट सर्किट हमने देखा डिफरेंट मोड्स पे, देन अगेन हमारे पास सर्किट पार्ट आ गया। उसके बाद हमने एग्जांपल अभी डिस्कस की, जिसके अंदर हमारे पास हमने देखा कि फंडामेंटल वोल्टेज किस तरह निकलेगा, देन फिर हार्मोनिक्स किस तरह फाइंड आउट होंगी। उसके बाद फिर हमने इसको कंपेयर करके देख लिया कि आरएमएस डायरेक्टली और हार्मोनिक समीशन से क्या डिफरेंस आ रहा है। तो अभी तक इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ ईमेल ज़रूर करें।